हेलो, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 में हमसे पूछ रखा है कि इस कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब ज़रा सा देखो, इसमें आप पहले इसमें बताओ कितने स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है। एक ये स्टीरियो सेंटर है और एक ये स्टीरियो सेंटर है। डबल बॉन्ड यहाँ पे स्टीरियो सेंटर नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर कब होते हैं, जब उससे एटलीस्ट दो ग्रुप तो लगे हों। लेकिन ये डबल बॉन्ड कैसा है, इससे केवल एक ही ग्रुप अटैच है। यहाँ पे यहाँ से भी कैसा है, केवल एक ही ग्रुप निकला हुआ, तो ये डबल बॉन्ड आपका कभी भी स्टीरियो सेंटर की तरह काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा स्टीरियो सेंटर। या और लॉजिक दे सकते हैं कि रिंग के अंदर का डबल बॉन्ड तभी स्टीरियो सेंटर की तरह काम करता है जब उसका साइज 8 या 8 कार्बन से ज़्यादा होता है। तो ये तो रिंग 6 कार्बन की, तो इसलिए डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर की तरह काम नहीं कर सकता। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमने ये देख लिया कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर कुछ हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर थे, एक स्टीरियो सेंटर ये था, एक स्टीरियो सेंटर, दो स्टीरियो सेंटर थे। क्या इस मॉलिक्यूल में आप देखो इसके अबाउट एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये जो प्लेन है इसके अबाउट मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यानी ये इवन स्टीरियो सेंटर, दो इवन स्टीरियो सेंटर विथ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी इवन स्टीरियो सेंटर है और इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन बाई टू माइनस वन। तो इसको आप अप्लाई करोगे तो टू की पावर टू माइनस वन प्लस टू की पावर टू बाई टू माइनस वन, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास इवन स्टीरियो सेंटर है और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। वहीं पे ऑड स्टीरियो सेंटर होते और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता तो फॉर्मूला क्या रहता है, टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन माइनस वन बाई टू। ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, बी ऑप्शन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 66 में बोलता है कि हमें इन सभी कंपाउंड्स में आपका रिलेशनशिप बतानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और क्या हम ऑप्शंस में ले सकते हैं, ये चार ऑप्शंस हम ले सकते हैं, आइदर कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्फर्मेशनल, कॉन्फिग्रेशनल या ऑप्टिकल बता सकते हैं। अब आप देखो जैसे ऑप्शन 1 है, अब ना तो ये कन्फर्मेशनल है, रोटेट करके बनाया नहीं जा सकता, ना ऑप्टिकल है और ना ही कॉन्फ्यूग्रेशनल है, ये कैसी है, बस एक अरेंजमेंट बना दी गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं, ना तो कॉन्फ्यूग्रेशनल है, जस्ट रोट ये ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का केस ही नहीं है, कोई ऐसा तो केस नहीं है, तो इसको कॉन्फ्यूग्रेशनल नहीं बोल सकते हम, कन्फर्मेशनल नहीं बोल सकते। क्यों, कन्फर्मेशनल क्या होता है, जस्ट रोटेट करके जो बन जाए, तो रोटेशन से तो बनेगा नहीं, ऑप्टिकल है नहीं। अच्छा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे, अरेंजमेंट का डिफरेंस है। यहाँ पे भी इन दोनों में कौन सा रिलेशन आ जाएगा, ये भी आपके अरेंजमेंट से बनेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा है, एक आपका ट्रांस है, एक आपका सिस वाला मॉलिक्यूल, ये कैसे आपस में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसी कैटेगरी में आते हैं, कॉन्फ्यूग्रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, कॉन्फ्यूग्रेशनल हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में कौन सी रिलेशनशिप रखेंगे, ये दोनों आपस में ऑप्टिकल की रिलेशनशिप रखेंगे, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल हो जाएंगे। तो इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट है कि फर्स्ट का ए, सेकेंड का ए, थर्ड का होना चाहिए बी और फोर्थ का होना चाहिए डी, इस तरह का ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी प्रेजेंट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उसे कमेंट मेंशन करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।